हेलो फ्रेंड्स, मैं मिस्टर खान आज आपके लिए फिर एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि लिनोवो योगा 12 की बैटरी को हम कैसे रिपेयर करें। दोस्तों, ये हमारा लिनोवो योगा 12 लैपटॉप और इसकी ये बैटरी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं बैटरी में जो दोस्तों 6 सेल की बैटरी है, इसे रिपेयर हम कैसे करेंगे आपको मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं पहले कैसे निकलेगा। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना ट्वीज़र है, उस ट्वीज़र से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं बाहर। देखेंगे दोस्तों सिंपली हम इसे अब निकाल लेते हैं बाहर। देखेंगे दोस्तों, बैटरी हमारा बाहर निकल गया है और आप काउंट कर सकते हैं, बैटरी हमारा 1 2 3 4 5 6, यानी 6 सेल बैटरी है। दोस्तों, अब हमें सिंपली करना क्या होता है, सबसे पहले हमें तो यहाँ पे वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा कि हमारा यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं, यानी यहाँ से आउटपुट आपको निकलता है जो। तो दोस्तों, सिंपली हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को ले लेते हैं। ये हमारा मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर में दोस्तों आपको DC 20 वोल्ट, जैसा कि आप इलेक्ट्रॉनिक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा DC 20 वोल्ट क्या होता है। DC 20 वोल्ट पे हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके भरने के बाद दोस्तों सिंपली हमें करना क्या है कि आउटपुट हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। ये रेड है हमारा प्लस के लिए और ये हमारा ब्लैक है। तो सबसे पहले मल्टी आपको इस दोनों पॉइंट पर रखना है, रेड पे रेड और ब्लैक पे ब्लैक। देखेंगे दोस्तों, वैल्यू हमारे पास बस 1 2 वगैरह समथिंग ही आ रहा है मल्टीमीटर में, यानी कि वैल्यू कुछ भी नहीं आ रही। इट मीन्स दोस्तों कि यहाँ पे आउटपुट नहीं हो रहा। अब दोस्तों, हम सेल को चेक कर लेते हैं, डीसी 20 वोल्ट पे ही हम सेल को चेक करेंगे। देखेंगे दोस्तों, ये भी सेल हमारा काम कर रहा है। दोस्तों, इसे चेक करेंगे, ये भी सेल हमारा काम कर रहा है, ये भी सेल हमारा काम कर रहा है और ये भी सेल हमारा काम कर रहा है, यानी सेल हमारा टोटली काम कर रहा है। इसे भी हम चेक कर लेते हैं, ये भी सेल काम कर रहा है। तो दोस्तों, टोटली सेल काम कर रहा है, इट मीन्स कि सेल आपके सही है और आपकी जो ये बोर्ड है, ये बोर्ड में ही प्रॉब्लम है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बहुत अच्छा आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको सिंपली करना क्या है। जैसे आपको नेगेटिव पे आपको मल्टीमीटर का नेगेटिव पॉइंट रखना है और पॉजिटिव से आपको ट्रैक ढूंढना है कहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है। देखेंगे दोस्तों, जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आ रहा है 11.23। दोस्तों, ये आपका हो सकता है वोल्टेज। अब हम प्लस पे डालेंगे, प्लस पे डाल के चेक करेंगे कि हाँ यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। देखेंगे दोस्तों, 9.29 वोल्टेज आ रहा है, यानी कि दोस्तों आपका काम बन सकता है। आप यहां से यहां के जम्पर लगा देंगे तो आपकी जो वैल्यू है यहां पे आ जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सीख गए होंगे कि कैसे आप बैटरी को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।